प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। वोटिंग के टाइम पे तो हर कोई दिखता है, लेकिन उसके बाद में 5 साल है ना, सिर्फ हम ही लोगों को हर चीज झेलना होता है। पूरी तरीके से भरा 2-3 साल हो गया और नाली का सफाई नहीं हुआ। जब कुछ हादसा होगा, किसी की जान जाएगी, किसी के माल का नुकसान होगा, जब प्रशासन की या म्युनिसिपैलिटी की आंख खुलेगी ना। इन लोग बारिश आ रही है, सबके दिल में डर बैठा हुआ है। की विंडो में से हम लोग बच्चे लोग को निकाल के भागते यहाँ से और नीचे जाते हैं, इतनी बिल्डिंग में से नीचे फेंकते हैं। और सब ने ऊपर पर्दी बनाया, मगर वो पर्दी का कोई यूजेस नहीं है क्योंकि पानी ओवरफ्लो के ऊपर से आ रहा है, पर्दी के ऊपर से पानी आ रहा है। दो बिल्डिंग के बीच की एक गली होती है, उसके अंदर इतना रैबिट ना के दो दो गाड़ी, अब गंदा पानी है, स्मेल आता है, बीमारी होती है। क्या हम लोग भी इंसान है यार। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के ठाकुरपाड़ा सम्राट नगर के रहने वाले लोग इन दिनों काफ़ी परेशान है। वजह कुछ और नहीं बल्कि इलाके में फैलने वाली गंदगी है। और जो बड़ा नाला यहां पर है, इस नाले की अभी तक साफ़ सफाई भी नहीं की गई है। इमारतों के कई इमारतें ऐसे यहां है जिनके चेंबर वगैरह टूटे हैं, खुले हैं, उसका गंदा पानी जो है गलियों में बह रहा है। लोग उससे भी काफ़ी परेशान है। और सबसे अहम बात यह है कि सम्राट नगर ठाकुरपाड़ा से होते हुए जो नाला आया है, इस नाले की अभी तक ना तो साफ़ सफाई की गई है और ना ही सुरक्षा के लिहाज से इस नाले को मरम्मत किया गया है, क्योंकि ये नाला जो है काफ़ी जर्जर हो चुका है और इसके आसपास में जो है इमारतें हैं। अगर तेज़ बारिश होती है और बारिश का पानी जो है वो पहाड़ों से काफ़ी तेज़ रफ्तार में आता है, तो ऐसे में जो आसपास की इमारतें हैं इससे खतरा भी हो सकता है, क्योंकि नाले की दीवारें काफ़ी जर्जर है और कई जगह तो नाले की दीवार भी टूट चुकी है। लेकिन मनपा प्रशासन ने अभी तक इस नाले को ना ही साफ सफाई कराया है और ना ही इस नाले की जो सबसे अहम ज़रूरत है मरम्मत की, वो मरम्मत भी नहीं कराया गया है। हालांकि आपको बता दें कि मुमरा कौसा के अभी ऐसे बहुत से नाले हैं जो साफ सफाई भी नहीं हुए हैं। उसी तरह से ये बड़ा नाला है, आपको बता दें कि ये बड़ा नाला जो है मुमरा बाईपास से लेकर ठाकुरपाड़ा, हनुमान नगर, सम्राट नगर होते हुए मुमरा पुलिस स्टेशन से होते हुए ये खाड़ी में गया है और बारिश का पानी ये पूरा देखेंगे कि बारिश में ये नाले से पानी पूरा भरा हुआ बहता है, काफ़ी तेज़ रफ्तार होती है। और ठाकुरपाड़ा सम्राट नगर में इस नाले के आसपास में काफ़ी इमारतें भी बनी हुई हैं और इस नाले की दीवारें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। लोग काफ़ी इसको लेकर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या कुछ स्थानीय लोगों ने कहा है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अफजल खान है। अफजल भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया है कि काफ़ी इतनी परेशानी है, क्या परेशानी है, इस जगह का नाम क्या है और क्या हुआ? भाई ये ठाकुरपाड़ा एरिया है, हनुमान नगर। हम लोगों की परेशानी ये है भाई, यहाँ पर वोटिंग के टाइम पे तो हर कोई दिखता है, लेकिन उसके बाद में 5 साल है ना, सिर्फ हम ही लोगों को हर चीज़ झेलना होता है। बाकी हम लोग फिर किसी के पास ना जा सकते हैं ना बोल सकते हैं। अभी हम लोग एरिया वाले मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया ठाकुरपाड़ा एकता ग्रुप, जिसमें हमारे सब एरिया वाले लोग ज्वाइन किए। अभी वो 6-4 महीने से वो ग्रुप चल रहा है, उसमें हम लोगों को एरिया की इतनी कंप्लेंटें आ रही है, आपको मैं दिखा सकता हूँ भाई, के बिल्डिंग की प्रॉब्लम, गटर के प्रॉब्लम, नालों के प्रॉब्लम। अभी आप लोग नीचे, आपको मैं वीडियोज़ बताता हूँ, पूरे पर्दी नाले की सब ये हो गई है, डैमेज हो गई है, कभी भी वो गिर सकती है। नाला पूरी तरीके से भरा, 2-3 साल हो गया और नाले का सफाई नहीं हुआ, अब बारिश स्तर पर है। ये रास्ते का आपको मैं फोटो देता हूँ, ये रास्ते में इतने खड्डे हो चुके हैं कि इसके अंदर से पानी बिल्डिंगों के नीचे जाएगा जब बारिश होगी। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है, अब तक के कोई सुनवाई नहीं है, पर मतलब कुछ हादसा होगा, किसी की जान जाएगी, किसी के माल का नुकसान होगा, जब प्रशासन की या म्युनिसिपैलिटी की आँख खुलेगी, जब हमारी यहाँ पे लोगों का काम होगा,
तो हम लोग क्या सिर्फ वोट डालने के लिए हमारा काम नहीं होगा? पूरे मुमरा का विकास हो रहा है, हर गली सुधर रही है, हर एरिया सुधर रहा है, तो ठाकुरपाड़ा क्या मुमरा के मैप में नहीं आता है? क्या ठाकुरपाड़ा मुमरा का नहीं है? यहाँ का स्थानिक नगर सेवक कौन है? मतलब माजी, अभी तो नगर सेवक किसी का पद है नहीं, लेकिन माजी नगर सेवक कौन है? यहाँ से पैनल में शायद से मोरेश की ने, और कौन था, और किसका, और कौन था यहाँ से? सात पुते ताई है, मोरेश की ने, राजन की ने, राजन की ने, मोरेश की ने, सात पुते ताई, और भी थे पैनल में। अब स्टार्ट में भाई जब आए थे, रूपाली गोटे भी थे, स्टार्ट में सब आए थे, लेकिन भाई जो ऊपर के काम होते हैं वो चीज़ हो रही है, लेकिन हम लोगों का जो ज़रूरत है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत, ये हम लोग पीछे लग लग के भाई करवाए, ये सब काम हम ही लोग ने, ये जो आपको लाइट जलती हुई दिख रही है ना, ये स्ट्रीट लाइट है, ये हम लोग उनके पीछे लगे, मुजफ्फर का नंबर भी है मेरे पास में, पल्लवी ताई से नंबर मिला था, उनके पीछे हम लोग लग लग के ये चीज़ करवाए। अभी नीचे हम लोगों का एक गटर का मामला था, यहाँ के लोगों को जमा करके अवर सबके बंगले पे गए, जब वो नीचे का हम लोगों को सफाई करके मिला, हम लोग ने साहब का नीचे सत्कार भी किया, लेकिन भाई वो नीचे तक एरिया नहीं, एरिया ऊपर भी है, लोग ऊपर भी रहते हैं, ऊपर पहाड़ तक के लोग रहते हैं। अभी इतने लोग खड़े हुए, इनका सबका, इन लोगों से सुनो कि इन लोग कितने परेशानी में, इन लोग बारिश आ रही है, सबके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि बारिश आ रही है, अभी होगा क्या, अब कैसे होगा, इन लोगों ने बात हम तक लाई है और हम आपके जरिए से ऊपर तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदा मोरसे। ताई, ये जिस तरीके से आप लोगों को परेशानी हो रही है, कब से हो रही है? अभी ये कितने साल से है? 5 साल हो गए, वोटिंग को 5 साल हो गए, सब चुन के आए, लेकिन ऊपर तक कोई नहीं आया। हमारी परेशानी किसी ने नहीं जानी, हम कितना बार बारिश में कितना भागते, इतना कि विंडो में से हम लोग बच्चे लोग को निकाल के भागते यहाँ से, इतना पानी ऊपर से आता है। अच्छा, ऊपर से पानी आ जाता, मतलब भर जाता है। नाले की सफाई भी नहीं हुई है। अच्छा, नाले की सफाई भी अभी तक हुई? नाले की सफाई नहीं है, पानी आता है ऊपर, पाइप चौकअप हो गया, 2 पाइप थे, 1 चौकअप हो गया, उसका सफाई नहीं है, वो अगर खुल जाए तो पानी नाले में गिरे ऊपर, यहाँ से बाईपास पे अटलांटा वाला का जो पाइप डाले है ना, वहाँ का 1 चौकअप है, 1 खुला है, 1 में से ही पानी जाता है, तो ऊपर से पानी भाई क्या यहाँ आता है, हम लोग भाग जाते हैं। ये नाला है, आज कितने साल उसे सफाई नहीं है, रास्ता जब जाते हैं सालों से सफाई नहीं है, नहीं है 4-5 सालों से सफाई नहीं है, 3-4 सालों से। हाँ, और नीचे जाते घूम, इतनी बिल्डिंग में से नीचे फेंकते हैं, और मतलब बोलो कोई भी बोला हम क्या, रास्ता नहीं, घूम घान में से हम लोग जाते हैं, ये नाला एक अभी चौकअप हो गया है, इन्हें हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, कितना सा भागे, कितने कुत्ता घर है, भाड़े का नहीं है, चलो भाई भाग के भागे जाएंगे और भाड़ा भरेंगे, ऐसा भी तो नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, हमारी यही परेशानी तुम दूर करो, हम लोग किसी पार्टी से हम लोग को लेना देना नहीं, कोई भी पार्टी करो, कोई भी पार्टी करो, लेकिन हमारा तकलीफ जानो, हम लोग को समझ के लो, जब हम लोग वोटिंग करते तुमको समझ के लेते, हम हमारा अधिकार समझ के हम लोग तुमको वोट करते, तो तुम भी हमको समझ के लो ना, कोई बात से हम लोग को बहुत परेशानी है। 2010 कितने सालों से आप यहाँ? मैं यहाँ पे 12-14 साल। 14 सालों से? 14 साल। ये जो परेशानी है कब से आ रही है आपको? ये जब से मैं आया हूँ तब से यही देख रहा हूँ, 14 सालों से यही देख रहा हूँ, कभी ये ब्रिज का काम हुआ नहीं, ये ब्रिज पूरा डैमेज हो गया, वो ब्रिज पूरा डैमेज हो गया, इधर का एक ब्रिज डैमेज है, एटलांटा वाले ने ऊपर ने क्या किया, उन लोग ने क्या, 2 नाले है ऊपर, 1 नाला उसमें से दोनों नाले चौकअप थे, तो उन लोग ने क्या करे, वहाँ पे ऊपर पानी जमा हो जाता था बारिश के टाइम पे, झरने का पानी जो ऊपर से आता है ना, तो ओवरफ्लो हो जाता था, तो ट्रैफिक लगने की वजह से उन लोग ने क्या करे, बीच का डिवाइडर तोड़ दिए, तोड़ने से वो पानी पूरा पलटी होकर अभी इधर आता है, मगर लास्ट ईयर में अवर साहब ने ऊपर पर्दी बनाया, मगर वो पर्दी का कोई यूजेस नहीं है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होकर ऊपर से आ रहा है, वो पर्दी के ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से आके यहाँ से पूरा बह जाता है, 3 साल पहले ये पूरा रास्ता ख़त्म हो गया था, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उसने ऐसा काम किया है कि एकदम घटिया काम किया, आप चल के देखोगे तो रस्ते पे जो उसने कॉन्क्रीट जो डाला है, हर किसी के पैर के निशान है उसके ऊपर, बारिश में मतलब ऐसा था कि उसका काम ऐसा था कि खाली फेंक के चले गया, उसने कभी कोई काम प्रॉपर किया नहीं, उसने पर्दी डालने के लिए बोला, ऊपर रेलिंग लगाने के लिए बोला, मगर कुछ नहीं किया, खाली माल फेंक के चले गया उसने, और बाकी कुछ काम नहीं हुआ उसके अलावा। अफजल भाई, आप जिस तरीके से अभी हमें बता रहे थे कि यहाँ का अगर कोई भी काम निकलता है तो हम जितने यहाँ के बिल्डिंग के रहवासी लोग हैं वही काम कराते, बाकी और कोई नगर सेवक या कोई भी आके काम नहीं कराते। अभी हम लोगों की जो बिल्डिंग के इंटरनल गली होती है, दो बिल्डिंग के बीच की एक गली होती है, उसके अंदर इतना रैबिट ना कि दो गाड़ी आपको मैं नीचे दिखा सकता हूँ, वो बिल्डिंग के लोगों ने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करे, सेक्रेटरियों ने कॉन्ट्रीब्यूट करे, अभी हमारे करीम भाई है
इनका बिल्डिंग का काम चल रहा था, थोड़ा इनका मलबा गिरा, लेकिन इनको हम लोगों ने फोर्स करके पूरा गली का सफाई करे। कितना खर्चा हो गया भाई अभी तुम्हारे गली का सफाई करने में? 25,000 रुपये इन्हें अपने जेब से लगा कि वो गली का सफाई करे। अभी मटेरियल पूरा नीचे उतार, ऐसी और भी नीचे गली है जो हम लोगों ने मांग की है कि भाई हमको सफाई करके मिलता है। आश्वासन सब तरफ से आ रहा है कि हाँ भाई हो जाएगा, करके देंगे, लेकिन भाई हम लोग भी रह रहे, गटर है, गंदा पानी है, स्मेल आता है, बीमारी होती है। क्या हम लोग भी इंसान है यार, हम लोग भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हमारी तरफ भी तो ध्यान दो। अफजल भाई, जिस तरीके से आपने अपनी परेशानी बताई, अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? भाई उम्मीद तो है कि निकलेगा हल, क्योंकि मुमरा का विकास हो रहा है, हो सकता है नज़र ये तरफ नहीं पड़ी हो, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ होगा। पार्टी कोई भी हो, नगर सेवक कोई भी, अभी नगर सेवक का चुनाव नज़दीक ही है भाई, हमारी बस यही मांग है जो भी यहाँ से हमारे एरिया से नगर सेवक चुनकर आता है वो इस एरिया पर भी ध्यान दे।